हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग MSQ व्लॉग। सो गाइज, हम लोग हैं भिवंडी में आरिश गोट वर्ल्ड पर। हमारे साथ है आरिश भाई, ठीक है, और इनके पास कुछ बकरे हैं। बहुत ही अच्छे रेट में इंशाल्लाह ये देने वाले हैं इन बकरों को। सबसे पहले तो हम लोग बकरों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग की, ताकि आप लोगों को बकरे समझ में आए। फिर उसके बाद प्राइसिंग जो भी रहेगी वो आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड में बता दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम आरिश भाई। आरिश भाई, ये आपने जो बकरे लाए हैं अभी जो आप लोग दिखा रहे हैं, ये ईद के पर्पस से ही लाए हैं क्या? ये सब कुर्बानी है, कुर्बानी के लिए लाए। ठीक है, कितने बकरे हैं ये? ये करीब होंगे 10 जानवर होंगे। अच्छा, तो ये ऐसे ही लॉट और आते रहेगा अपने पास क्या? तो ऐसे ही आते रहते, आता रहता है। ठीक है, टोटल 10 बकरे हैं इसके अंदर। तो गाइज, आइए हम लोग बात करते हैं इनकी डिटेल्स के बारे में, क्या क्या दांत पर है। ठीक है, बहुत मतलब एकदम ज़्यादा मेरे को लगता है कि हैवी रेंज के बकरे नहीं होंगे। छोटी कुर्बानी जो करना पसंद करते होंगे, छोटे बकरे जो घर में कुर्बानी करना पसंद करते होंगे, उनके लिए बेस्ट डील रहने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आरिश भाई, ये जो बकरे हैं, ये जो है इसमें दांत कितने हैं बकरों के? खाली दो बकरों को दांत नहीं समझ पाएगी, ये बच्चा अदंत। हाँ हाँ, अरे ये बच्चा, ये दोनों अदंत है, इनको अभी दांत नहीं। इनके दांत आएंगे ईद तक, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है? ये पानी के भाई के बच्चे, बहुत छोटा बच्चा, ये शौक करने ऐसा बच्चा है, सोजत बच्चा है भाई ये। अच्छा, भाई आप ये बकरे से स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ ना, वो कितने दांत पर है? दो दांत, सही है। और ये बड़ा वाला बताओ ना, ये वाला पीछे जो बंधा हुआ है, ये कितने दांत पर है? ये है चार दांत, है ना? ठीक है, और ये मुंडा बकरे जो है, बारिश की वजह से थोड़े से गंदे ज़रूर है। ये वाला गंदे है, लेकिन भाई बारिश है, बारिश में बकरों को निलाना मुनासिब भी नहीं है। ये सब दो दांत पर है क्या? हाँ भाई, ये चार दांत पर है। ये अदंत है, यानी अभी दांत कर दिया ना भाई, दो दांत है। ठीक है, और ये वाला सब दांत है लगभग, दो दांत। वो वाला ये तो एक ही दांत किया है, अभी दूसरा दांत हो जाएगा, मतलब ईद तक इसके दांत आ जाएंगे। ठीक है, हरीश भाई, इनका जो वेट होगा, अंदाज क्या वेट होगा इनका? ये है 35 किलो, कुछ 40 किलो, कुछ 30 किलो। अच्छा, 35 40 किलो किलो भी है। बड़ा वाला क्या वेट पर है जो बकरा? हाँ हाँ, ये बच्चा है तो 45 केजी, लेकिन अपनी 43-42 पकड़ के चलो। ओके, ये बकरा अपने पास है कब से? ये अभी रिसेंट आया ये स्टॉक, या फिर एक हफ्ते से अपने यहाँ पर है? ठीक है, और कुछ बताए राहिश भाई, बहुत छोटी सी वीडियो बन रही है क्योंकि तो कुछ लेंदी करना चाहिए वीडियो। हाँ, बकरे दिखा दीजिए आप, प्राइस भी बोल देता हूँ। ठीक है, इसका तो प्राइस क्या है समीर भाई? ये अपने को देना है 13,000। ये बकरा 13,000 रुपये, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बढ़िया। ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा अपने को देना 12,000 रुपीज़, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बच्चा देना है, आने दो आने दो। इसका कितना कितना बताएं? ये 11,500 रुपये, 11,500 में देना अपने। ठीक है, और ये बच्चा अगर कोई लेगा ना, तो ये अदन बच्चा है। हाँ हाँ, देखो एकदम गोल मॉडल फुटबॉल, माशाल्लाह। ये बच्चा दे देंगे अपने 9,500। 9,500 पालने के लायक बकरा, पालने के ऐसा बकरा है। चलो, ये बड़ा वाला आ गया खुल के, इसको ही बता दो। ये बच्चा आएगा समीर भाई 14,500। 14,500 रुपये, कितने दांत पर? ये चार दांत पे था ना ये? हाँ, ये चार दांत। चलो, इसके बताओ। ये बकरा है दो दांत। हाँ हाँ, ये भी 12,000। 12,000, वो एक वाइट वाला शायद पीछे बचा हुआ है, वो पाइप के पास जो खड़ा, बता चुके ये वाला। हाँ, ये वाला बचा है, और ये बचा एक। ये बच्चा रहेगा माशाल्लाह, वादार बच्चा है। कितने पर ये? 14,000 रुपये, माशाल्लाह। ये एक बच्चा है, ये बच्चा 12,500, मतलब अपने पास 11,500 से स्टार्ट है ना क्या? कुर्बानी के लायक वो तो कुर्बान, वो तो अदंत है ना, कुर्बानी के लायक जो है बकरे 11,500 से स्टार्ट है, और लास्ट में लास्ट अपने पास कितना है? 14,000 था। खाली ये बच्चा जो है ना, हाँ, ये पट्टी में नहीं है, सोजत बच्चा है। हाँ हाँ, ये फाइनल 16,000 रुपये का देना है। ओके, 43-45 केजी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। सो टोटल कितने बच्चे हैं ये? 10 बच्चे, और भी एक बच्चा है। हाँ हाँ, ब्लैक कलर और गोमन। ठीक है,
हरीश भाई बकरा मंगा लो, हमने तुमसे कुछ बात करना चाहूंगा, आना सामने। वो बकरा मंगा लो, निकालना ब्लैक वाला निकाल और ये अग्गी वाला जो है ना वो निकाल। जैसे अभी ये बकरे तो बहुत छोटे छोटे हैं, हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इसी टाइप के बकरे देखते हैं, हाँ। लेकिन पूरा पूरा लॉट देखते हैं, हाँ। मतलब एक ही घर में कम से कम 15-15, 20-20 कुर्बानी हो जाती है। हाँ 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 अच्छा। सो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई पूरा लॉट खरीदता है जैसे, हाँ। बोले भाई पूरे 10 बकरे में ले लेता हूँ मेरे घर में कुर्बानी के लिए, और रेट कुछ रिजनेबल हो जाएगा इसमें? हो जाएगा ना, हाँ। गुंजाइश रहेगी वैसा कर देंगे अपन, पहले ही बहुत रेट एकदम हिसाब में होगा इंशाल्लाह। सो वही मैं पूछ रहा था, अगर कोई बोले तो उस पर कुछ गुंजाइश कर देना, है ना, तो पूरा लॉट एक साथ निकल जाएगा इंशाल्लाह, है ना। अभी एक बकरा और आ रहा है, वाह ठीक है। ये हल्का है वो लोग में वजन में, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये सस्ता भी है, 9000 रुपया दाती है, दाती है ना। सर्दी हुई है इसको लगता, हाँ, है इसको थोड़ी सर्दी हो गई जी, इसके लिए इसको बांध के रखा। सही सही सही, बढ़िया। उसको बीच में जाने भी मत दो, दूसरे को नहीं हो जाएगा। और फिर दूसरा कौन सा बचा है? ठीक है ठीक है। इसके क्या प्राइस है, कितने दांत पर है ये? ये 4 दांत पर है। इसके क्या प्राइस कोट कर? 10000 रुपये। सो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रेंज में बकरे हैं, जो मतलब छोटी कुर्बानी करना, मतलब एकदम सस्ते बकरे अगर कोई देखता हो तो उस उनके लायक के बकरे हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह उसके उनके घर पे भी कुर्बानी हो जाएगी। अगर सही माल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कंटिन्यू ईद तक आता रहेगा कि पूरा राउंड द ईयर आता रहता है? हाँ नहीं नहीं, ऐसे तो अपन पतीरा में ही काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाकी एक महीना इंशाल्लाह ईद तक तो गुंजाइश है कि लाएंगे। ठीक है। सो माशाल्लाह नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर आपका दे दूंगा, आरिश भाई, और आपके दानिश भाई को, दानिश भाई का नहीं भी देंगे तो चलेगा, आपका ही नंबर देना। ठीक है, तो आपका नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, आरिश भाई का नंबर दे दूंगा, आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। भिवंडी में हम लोग एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है? ये भिवंडी में अपन है समीर भाई, कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन, कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन। ठीक है। सो आप माशाल्लाह। सो गाइज ये वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह।